हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, मजे हुए होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं ले आई हूँ बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी रेसिपी, जो है छोले की, काबुली चना भी जिसे बोलते हैं। तो छोले इस तरह से आपको उबालने हैं जो हाथ से इस तरह से दब जाए। तो ये 250 ग्राम छोले होंगे और 2 मैंने आलू लिए हैं। तो इस तरह से मैंने प्याज को अब मैं भून रही हूँ, और आप प्याज नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो। और एक मसाला मैंने रेडी करके रखा है, तो इसमें मैंने डाले हैं 2 टमाटर, लौंग, इलायची, लहसुन और प्याज भी मैंने एक ठो इसमें डाल दिए है। तो इस तरह से इसकी ग्रेवी आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद जब आपके प्याज जब भून जाए तो ये ग्रेवी को आप प्याज में मिला दीजिए। ये बहुत आसान सी रेसिपी है दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से छोले की रेसिपी। आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना। तो मैं इस तरह से इसको मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा सा इसको भूनिए, भूनने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर इसको अच्छे से भूनिए, भूनेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, छोले को आप ऐसे टिकिया, आलू की टिक्की होती है उसके साथ भी खा सकते हो, भटूरे के साथ भी खा सकते हो, राइस के साथ भी खा सकते हो, किसी के साथ भी खा सकते हो। अब इसमें आप मन चाहे मसाला भी इसमें ऐड कर दीजिए, लाइक धनिया, मिर्ची, आमचूर, काला नमक, हींग। हींग आपकी इच्छा हो तो डालो, नहीं तो मत डालो, मैं डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर भी ऐड किया है और थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा मसाला भुन गया है। अब जब मसाला भुन जाए तो आप इसमें जो आपने छोले उबाले हैं और जो आलू भी रखा है वो इसमें आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है, छोले उबालने का कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको अच्छे से आप उबालिए। अगर आपके छोले थोड़े कम टाइम के लिए भीजे तो आप इसमें खाने वाला सोडा दे के उबाल सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने छोले को इसमें मिक्स कर दिए, अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। अब जो छोले का जो पानी बचा हुआ रहता है उबालने के बाद, आप वो इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए। जब तक छोला एकदम अच्छे से उबाल ना आए इसमें स्वाद नहीं आएगा, और स्वाद के लिए आपको 2 से 5 मिनट इसको उबालना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हो मेरे छोले उबल गए हैं, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो जो 2 आलू मैंने उबाले थे इस तरह मैं इसको चूर के इसमें डाल दूँगी। इससे क्या स्वाद बहुत अच्छा आता है। कुछ आलू को एकदम चूर दीजिए, कुछ आलू को थोड़े से खड़े खड़े रहने दीजिए ताकि वो मुंह में आए। काफ़ी टेस्टी छोला बना था दोस्तों। तो इस तरह से बनाइए और इन्जॉय करिए, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और कोई सजेशन तो ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।